ओह माय गॉड, वाओ, बिल्कुल मेरे इस फेस मिस की तरह तरोताजा कर देंगी आपको ये सारी खबरें जो कर रही हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में ट्रेंड। चलिए फटाफट दिखा देते हैं आपको एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज का ये सिलसिला एक साथ। जी टीवी के रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में बहुत जल्द बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी मेहमान बनकर आएंगी और साथ ही इस शो में मेहमान बनकर आएंगे नितिन मुकेश भी। इन दिनों नीना गुप्ता को शौक चढ़ा हुआ है सालसा डांस सीखने का। जरा देखिए ये वीडियो जहां पर वो सालसा डांस की रिहर्सल कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन पर रील्स बनाने का खुमार छाया हुआ है। अमिताभ बच्चन की नाते नव्या नवेली पहुंच गई है भोपाल और कर रही है वहां की गलियों की सैर और साथ ही ले रही है भोपाल के जायके का मजा भी। अब देख लीजिए कि कैसे शूटिंग से फुर्सत के पल मिलते ही फलकनाज कहक शान के साथ बना रही है मस्ती भरा वीडियो। श्वेता तिवारी का वेकेशन मोड हो गया है ऑन और देखिए कैसे वो अपने बच्चे के साथ निकल पड़ी है छुट्टियां बिताने के लिए जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोरा अर्जुन कपूर के बच्चे की मां बनने वाली है ये खबर आग की तरह फैली है। हालांकि इस खबर को अर्जुन कपूर ने खारिज करते हुए अपना बयान जारी किया है और इस न्यूज को गलत बताया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म योद्धा का पोस्टर रिलीज हो गया है जो खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर है आज की ट्रेंडिंग न्यूज। सबसे पहले ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है सीरियल अनुपमा से। जरा देखिए कैसे ऑफ कैमरा अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली अपने ऑन स्क्रीन बेटे समर के साथ मिला रही है ताल से ताल और कर रही है ढेर सारी मस्ती। वैसे मस्ती तो छोटी अनु भी कर रही है क्योंकि सेट पर आ गया है अनुपमा यानी रूपाली गांगुली का बेटा जिसके साथ वो ब्लॉक्स वाला गेम खेल रही है। शहनाज गिल के टॉक शो में बहुत जल्द मेहमान बनकर आने वाले हैं विक्की कौशल और देखिए कैसे उनके आते ही शहनाज के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने उनके साथ बनाए कई सारे वीडियोस भी। वैसे शहनाज गिल के टॉक शो में आयुष्मान खुराना भी आ चुके हैं जिनके साथ शहनाज गिल ने किए टेढ़े मेढ़े सवाल और खट्टी मीठी बातें। फिर बनने वाली है शहीर शेख और एरिका फर्नांडिस की जोड़ी। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के बाद दोनों फिर से एक नए प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। अब ये नया प्रोजेक्ट सीरियल है, वेब सीरीज है या फिर कोई म्यूजिक वीडियो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।